हजारों की संख्या में एसएसबी गोरिल्ला प्रशिक्षण देकर देश की सेवा के लिए तैयार किए गए। वर्षों बीतने के बाद नौकरी नहीं मिली और न ही राज्य सरकार की नौकरियों में प्राथमिकता मिली। अब अग्निपथ योजना में भी सवाल उठा रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। देश भर के 17 राज्यों में लाखों लोगों को एसएसबी ने प्रशिक्षण दिया। 2002 तक एसएसबी में इन्हीं स्वयं सेवकों को भर्ती किया जाता था, लेकिन उसके बाद कोई भर्ती नहीं हुई। ऐसे में अब ये अग्निपथ योजना पर भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा के मामले में प्रयोग न करे। एक प्रयोग पहले भी किया था 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद, सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गुरिल्लों को प्रशिक्षण दिया गया था और वर्षों तक उनकी सेवा लेने के बाद उन्हें असहाय छोड़ दिया गया। एसएसबी गुरिल्ला प्रशिक्षित अग्निपथ भर्ती योजना पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार इसे युवाओं के लिए बेहतर मौका मान रही है। जिन युवाओं के लिए योजना बन रही है वो युवा सड़कों पर विरोध कर रही है, वही केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री तो गुरिल्लाओं के मामले को अलग बता रही है। गुरिल्ला अलग चीज है, वो एक अगर आप स्टडी करेंगे, मेरा बोलना ठीक नहीं रहता है, उसकी लड़ाई अलग है, उनका भी कहना ठीक है। वो तो एक किस्म से आप हैं, जैसे आपको एक ट्रेनिंग दे रही है, आप घर के अंदर बैठे हैं लेकिन आप सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि कई कंट्रीज में होता है, घर में बैठा आदमी भी होता है। योजना जिन युवाओं के लिए सरकार ने बनाई है वो विरोध में सड़कों पर आंदोलन कर रही है। युवाओं को डर है कि सरकार 4 साल बाद उन्हें रोजगार देगा या कहीं एसएसबी गुरिल्लाओं की तरह वर्षों तक आंदोलित ही रहना तो नहीं पड़ेगा। न्यूज 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट के साथ अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे।